और हम अगस्त क्रांति की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात हो गई, अयोध्या की बात हो गई, और अब बात होने वाली है ओलंपिक में अगस्त क्रांति की, क्योंकि आज भारत ने दो दो पदक जीते हैं। एक तो हॉकी के मैदान में, जहां पर पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, लेकिन साथ ही कुश्ती के अखाड़े में भी एक रजत पदक हिंदुस्तान ने आज हासिल किया है। भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीतकर इतिहास रचा। टीम इंडिया ने यह मेडल जर्मनी को 5-4 से हराकर जीता। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था और अब 4 दशक बाद ब्रॉन्ज मेडल। आज दूसरा मेडल भारतीय पहलवान रवि दहिया ने जीता। 57 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावूर युगुएव से लड़े, लेकिन हार गए, लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। रवि ने कुश्ती के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के सनायेव नूर इस्लाम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। लेकिन असल मायने में हम कहें तो क्रांति जो आज है वो हॉकी के मैदान में देखने के लिए मिली। हिंदुस्तान ने ओलंपिक खेलों में अब तक 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। एक वो दौर था जब भारतीय हॉकी टीम का दबदबा हुआ करता था, दुनिया भर की टीमें थरथर कांपती थी, लेकिन अंतिम बार 1980 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद से सूखा ही रहा। भारतीय टीम कई बार इस रूप में नजर तो आई कि आगे बढ़ जाएगी और पदक तालिका में उसका नाम नजर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बहुत हद तक इसके लिए हॉकी के प्रशासक जिम्मेदार रहे। आज सूरत बदली है। आज इतने सालों बाद, 4 दशक से अधिक समय के बाद एक मेडल आया है हॉकी में। उम्मीद करते हैं टीम को प्रोत्साहन मिलेगा और जो क्रांति शुरू हुई है वो क्रांति हर ओलंपिक में, हर विश्व चैंपियनशिप में कोई नया मेडल लेकर आएगी। भारत की हॉकी टीम ने 41 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया था हमारी टीम के लिए। इतनी खुशी मैंने अपने साथ ही मानी थी। जय बच्ची का खालसा, जय बच्ची की फतेह। आज मेरी 10वीं पाठशाला शुरू हो गई। ये क्रांति है खेल के मैदान में। ये क्रांति है हिंदुस्तान की हॉकी में। इस क्रांति के नायक हैं भारत के सुपर 16। हॉकी में मिला ब्रॉन्ज गोल्ड से कम नहीं, क्योंकि ये जीत हासिल हुई है बड़ी बड़ी धुरंधर टीमों को धूल चटाकर। मेरी 10वीं पातशाह ने सुन ली, मेरे पुत्र दी इज्जत रख ली, मेरे पुत्र दी बहुत वधिया, मेरे पुत्र सारे बहुत वधिया खेडे। ये जीत इन खिलाड़ियों के खून पसीने की जीत है, जिन्होंने स्पॉन्सर के लिए संघर्ष किया। ये जीत इन खिलाड़ियों के जज्बे की जीत है, जिन्होंने लाइमलाइट से दूर रहकर मैदान फतेह किया। ये जीत इन खिलाड़ियों के मन में कूट कूट कर भरी खेल भावना की जीत है, जो गुमनाम रहकर खेले और जीत कर चमके। खुशी अब लिया, कोई अंत ना हो खुशी का। पिछली बार इस बार ठीक हो गए। हाँ हाँ, बहुत खुशी है। बहुत जरूरी था इंडिया के लिए जीतना, क्योंकि इतने साल से कोई मेडल था नहीं, तो ये कमबैक है इंडिया का हॉकी में ओलंपिक स्टेज पे, एंड रियली वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। खुशी आ जी, सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ भाई, सुरेंद्र कुमार मेडल जीत कर आए और बड़ा धूमधाम से स्वागत होएगा जी उसका। सभी कुरुक्षेत्र वालों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। हॉकी टीम ने ओलंपिक में न सिर्फ मेडल जीता, बल्कि हॉकी से भारतीयों की खोई हुई उम्मीदें जीती हैं। हॉकी पर देश का भरोसा जीता है और बदले में देश को लौटाया है ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी का तमगा। भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेन्स हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। ओलंपिक में यह जीत बेशकीमती है,
क्योंकि 41 साल बाद यह हासिल हुई है। यह जीत बेशकीमती है क्योंकि इसने हॉकी के सुनहरे दिन लौटने की आस बढ़ाई है। यह जीत बेशकीमती है क्योंकि ये इन हिंदुस्तानी सूरमाओं का ख्वाब थी। तो सबके प्लेयरों में दिख रहा था कि वो जीतना चाहते हैं, इतना अग्रेसिव था, सभी ग्राउंड पे इतने अग्रेसिव थे कि यार जीत के जाएंगे। और बात भी यही, मतलब हाफ टाइम में बात कर रहे थे, यही कर रहे थे मोस्टली कि यही मोमेंट है, यही लास्ट टाइम है, अभी कर सकते हैं, बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे कि मैच के बाद ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, अभी टाइम है, जो करना है आपको अभी चांस है, आप करके दिखाओ। तो आई थिंक सभी प्लेयरों ने बहुत अच्छा एफर्ट डाला एंड पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसलिए ये सिर्फ जीत नहीं है, ये उम्मीद है हॉकी के स्वर्णिम इतिहास को दोबारा दोहराए जाने की। हमें भरोसा है कि आज ब्रॉन्ज मिला है लेकिन अगली बार गोल्ड पक्का है। इस जीत पर इंडियन हॉकी टीम को सैल्यूट है।